हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज 10 के बारे में। ठीक है, इससे पहले दोस्तों नौ टेस्ट सीरीज चैनल पर डाल दी गई हैं, वो भी दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 2001, 2003, 2005 या 2006। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2006 में। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बालो कल्याण चंद। ठीक है, रुद्रचंद की बात की जाए तो ये अकबर के दरबार में मिलने वाला चंद्रवंश का पहला शासक था। ठीक है, और देवी चंद को दोस्तों चंद्रवंश का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अजय बाल ने। ठीक है, और कब बनाई थी, 1517 में। ठीक है, चलिए, और कनक पाल कौन था दोस्तों, परमार वंश का संस्थापक था। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो ये कौन थे, अजय पाल था। ठीक है, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊँ के राजा युद्धरत रहते थे। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1979 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। तो ऑप्शन है दोस्तों लाखामंडल में, कालसी में, काशीपुर में या फिर जोशीपट में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कालसी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कत्यूरों की राजधानी का पांडु केशवर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है। ठीक है, तो क्या नाम है दोस्तों, कार्तिकेयपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेहरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा या फिर हरिद्वार। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हरिद्वार जनपद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। ठीक है, तो किसने की थी दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रताप शाह ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्णागिरी मेला कब लगता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चैत्र नवरात्रि को। ठीक है, अब पूर्णागिरी मेला लगता कहाँ है, किस जनपद में लगता है, तो ये चंपावत जनपद में लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊँ का कमिश्नर कौन था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हेनरी रैमजी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सदई रचना किस लेखक की कृति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तारादत्त गैरुल्ला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजी जनजाति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य हिमालय की का पुरातत्व किसकी पुस्तक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यशवंत सिंह कटोच। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों इनकी दो पुस्तक और भी हैं, एक है उत्तराखंड का नवीन इतिहास और दूसरी है मध्य हिमालय की कला। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, लाल टिम्बा स्थित है, तो लाल टिम्बा कहाँ है दोस्तों, तो ये है दोस्तों मसूरी में। ठीक है, और मसूरी को क्या कहा जाता है, पहाड़ों की रानी। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।